नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार झा। आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। यह बता दें कि एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा डिमडिमा चाय बागान में नहीं हो रहा है। चाय बागानों की स्थिति का ये डिमडिमा चाय बागान फैक्ट्री गेट है और यहाँ पर ये श्रमिक महिलाएं बैठी हुई है और इनकी पंद्रहिया दैनिक मजदूरी नहीं मिलने के कारण ये श्रमिक महिलाएं यहाँ पर अब धरने पर बैठी हुई है। 2 घंटे की गेट मीटिंग लगातार चल रहा है और आप लोगों ने जैसे देखा कि आगे देखेंगे कि यहाँ श्रमिकों में कितनी हताशा है। दैनिक मजदूरी स्टाफ और सब स्टाफ का मंथली तनख्वाह भी नहीं मिला है और दैनिक मजदूरी नहीं मिलने से ये लोग अभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और तो देख रहे हैं ये स्थिति। आगे देखाएंगे कि किसने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार झा। आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। यह बता दें कि एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा डिमडिमा चाय बागान में नहीं हो रहा है। चाय बागानों की स्थिति काफी दयनीय है। यह बता दें कि डिमडिमा चाय बागान में स्टाफ सब स्टाफ का लगभग 2 महीने का सैलरी ये 8 तारीख आएगा तो बाकी है, मिला नहीं है। 1 महीने का मिला नहीं है। इस 8 तारीख को, 8 दिसंबर को 2 महीने का बकाया हो जाएगा। वहीं जो दैनिक मजदूरी डेली जो चाय पत्ती गाछों से तोड़ती है, चाय के पेड़ से, और फैक्ट्री में पहुंचाते हैं, जिसका गरम गरम चाय सुबह सुबह लुफ्त हम लोग उठाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में लोग बैठ कर चाय की चुस्की लेते हैं, लेकिन ये चाय उत्पादन करने वाले, चाय बनाने वाली और चाय को फैक्ट्री तक पहुँचाने वाले इन श्रमिक महिलाओं का स्थिति कोई भी जानने को तैयार नहीं है। यह बता दे कि मात्र 250 रुपया दैनिक मजदूरी पर यहाँ पर श्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें काट छांट के लगभग 200 रुपया इनके दैनिक हाथ में आते हैं। उसी से अपना परिवार पालन के साथ साथ दुख बीमारी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी में कैसे करते हैं, ये आप सोच सकते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार में बैठने वाले लोग तो 1 कप चाय में ही उतने पैसे दे देते हैं जिनकी जितनी इनकी दैनिक मजदूरी है। तो पंद्रहिया तनख्वाह बाकी होने के कारण यहाँ पर डिमडिमा चाय बागान की श्रमिक महिलाएं यहाँ देखिए कैसे बैठी हुई है यहाँ पर। और ये आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से। आप थोड़ा सा खड़ा होइए एक आदमी। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्या समस्या क्या है और थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों आप लोग हड़ताल? हमने इतना दिन कमाई है, खाना मिल कर तालाब पे नहीं दे है। तालाब नहीं दे से ले तो आई है हमें। अगर तालाब दे देता खलका ले आती, जब नहीं बैठती हमें अपना काम में जाती। तालाब नहीं दे के कि ना ही 2 महीना हो जाए खाना मिल। कितना दिन से रो रहे मन गेट हड़ताल करते? आज तो 3 दिन हो गए। 3 दिन अगर तालाब दे देता खल नहीं बैठती, नहीं हमने अपना काम में जाती। पेट के बांध के तो नहीं कमा तो रखन पैसा लागत है और खाना चौर किने के लिए पैसा ना कि दुकान में कितना देवी देवी तो कितना देवी चल बैठ। 15 दिन कर तनख्वाह नहीं भेट है, ये 15 दिन फिर पुग जाए का वेलकम है। 15 या करवाई जाए का इस दिन हो जाए। तो का नाम है ग्राउ? बेंगलोहार। तो देखिए रहने वाला तो देखिए आप महिलाओं के दर्द को आप पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यहाँ एक श्रमिकों सब स्टाफ है यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि डिमडिमा चाय बागान में स्थिति काफी, आप लोगों का पूजा के समय में भी बोनस को लेकर काफी दयनीय स्थिति थी और अभी भी उसी प्रकार का यहाँ पर पेमेंट को लेकर आप लोगों को यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। काम भी जा रहे हैं आप लोग, तो क्या है मजबूरी? आप लोग कोई मैनेजमेंट से आश्वासन मिला है क्या? नहीं, मैनेजमेंट से आश्वासन नहीं मिला है। मैनेजमेंट से आश्वासन मिलने का आशा हम लोग 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक की है, उसके बाद देखते हैं। कोई आश्वासन नहीं, कोई बात नहीं। तब परसों दिन से वर्कर अपनी मर्जी से, हम लोग तो बोले दादा तलब नहीं दिलाएंगे कैंटीन का सामने। परसों दिन बुढ़िया काकी लोग, भौजी लोग बोला दादा बाबू तलब नहीं दिलाएंगे। हम लोग कहे नहीं, लड़ाई लड़ना है तो सब कोई जमा हुई है, लड़ाई लड़ेंगे, अकेले तो हम माधो क्या करेगा। तो वर्कर परसों दिन से जमा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कंपनी जब से ढुका है तब से पेमेंट दे रहा है ना, 15 महीना हो गया प्रोविडेंट फंड जमा नहीं कर रहा है कंपनी। करोड़ों करोड़, 5 करोड़ बकाया हो गया प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे जमा नहीं हो रहा। 15 महीना से जमा नहीं हो रहा है और हर जगह दिया हुआ है कागज,
चार्टर डिमांड जो होता है बगान का 6 अगस्त को ही हर जगह दिया हुआ है। एलसी काम तो लगातार आप लोग कर रहे हैं, फैक्ट्री में चाय पत्ती का उत्पादन भी हो रहा है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, अभी भी 10,000 आ रहा है और दुर्गा पूजा से पहले आपका 50-55-60,000 तक पत्ती आया, फिर भी पेमेंट के लिए दुर्गा पूजा से पेमेंट नहीं दिया। वो जो दो दिन हम लोग काम को बंद करके, काम को अब्सेंट करके हम लोग आंदोलन किए, तो मैडम के पास प्रकाश सिंह बड़ाई का फोन आया कि नहीं 15 तारीख को हम लोग बगान खुलते हैं, छुट्टी से निकलते साथ पेमेंट दे देंगे सारा वर्कर का। फिर मैडम हमको बोली प्रकाश सिंह बड़ाई बात करना चाहते हो, ठीक, हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी से भी मैडम बात कर। तो राज्यसभा का जो सांसद, हाँ, वो फोन किए थे दुर्गा पूजा में जो आंदोलन हुआ था तीसरा दिन, जिस दिन आधा बेला काम करके ये छुट्टी, तो पैसा मिला आप लोग? मिला, लेकिन सारा वर्कर का मिलने था, एक राज्यसभा का सांसद होके वो जवान दिया था, बड़ा बाबू भी जवान दिया था उनके कहने पर, लेकिन हम बोले थे कि सारा वर्कर का पेमेंट यदि 15 तारीख को हो जाता है और 21 तारीख का पेमेंट भी, दिवाली से पहले 15 ही है, 21 तारीख का पेमेंट भी यदि गारंटी लेते हैं पेमेंट देने का, तो 15 तारीख का पेमेंट को मानेंगे, तो नहीं नहीं पेमेंट हो जाएगा, किसको भी हो जाएगा, 15 तारीख को भी सारा वर्कर का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन 15 तारीख को दुर्गा पूजा के बाद केवल लेबर पेमेंट हुआ और बीघा को 19 तारीख को दिया और सब स्टाफ को 28 तारीख को दिया। तो हर महीना हर कोई ठग रहा है, तो राज्यसभा सांसद का भी बात का वैल्यू नहीं रहा हमारे कहने, वर्कर के सामने वो जवाब दे देंगे। छोटा सा कुल मिला के वीरेंद्र जी, आप लोगों का टाल मटोल किया जा रहा है और पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन 2 घंटे का आप लोग यहाँ पर जो गेट मीटिंग कर रहे हैं, काम पर भी जा रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर। और कोई बोलने वाले हैं? और एक बात बोलना है, 2 दिन आंदोलन होने के बाद कल 11:30 बजे आप अभी वर्कर को बोले, घर में हम थे, थाना से बड़ा बाबू का फोन आया, आपके नाम पर वारंट आया है। हम बोला कौन चीज का वारंट आया सर, बताइए सर, बड़ा बाबू? तो बोले नहीं, बीरपड़ा भी आंदोलन कर रहा है, बीरपड़ा का लोग का ऊपर भी वारंट आया, आप भी 2 दिन से आंदोलन कर, तो आंदोलन करने पर वारंट आपको देने का धमकी दिया गया? हाँ, वारंट बड़ा बाबू खुद फोन करके बोले। हम बोला सर किस चीज का वारंट आया? नहीं पुराना केस का। हम बोला क्या केस का, आइए दिखाइए हमको। तो नहीं हम जाएंगे, अभी तो फुर्सत नहीं है, घर में जाएंगे चाय भी पियेंगे। हम बोला ठीक है सर, चाय भी पीजिए, खाना भी खाइए और हम लोग को वारंट दिखाइए, आंदोलन करने से वारंट आएगा? तो नहीं, आंदोलन अलग बात है, आपका नाम में पुराना केस का वारंट है। तो ठीक है, तो इतना दिन क्यों नहीं वारंट आया, इतना दिन वारंट का बात क्यों नहीं बोले? परसों दिन से आंदोलन कर रहे, तो आप आज में वारंट का बात बोल रहे, आंदोलन शुरू किया तो वारंट का याद आ गया? ये सब बात पुलिस के द्वारा आप लोगों को डराने का कोशिश, डराने का धमकी दिया जा रहा। उसके बाद हम व्हाट्सएप पे बड़ा बाबू को लिख के भेज दिए कि हम लोग का 15 तलब डेली रेटेड वर्कर का 15 दिन का बकाया है, 21 तारीख का पेमेंट बकाया, सब स्टाफ का पेमेंट 1 महीना का बकाया है, पीएफ 15 महीना से जमा नहीं है, सब छुट्टी पैसा नहीं मिला है, बीघा का बढ़ती रुपया नहीं मिला है, सब स्टाफ का टीए नहीं मिला, मैंने सारा बात 7 पॉइंट व्हाट्सएप में लिख के बड़ा बाबू को दे दिए। फिर कल 12 बजे से अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। कहना है कि भाई ये 2 घंटे का जो गेट मीटिंग का, 2 घंटे का डेली का आंदोलन है, 7 से 9 बजे का इनका डेली जारी रहेगा और यहाँ पर दर्द छलक रहा है श्रमिकों का, देख सकते हैं, और कैसे इनका परिवार चलता है इसका कल्पना आप कर सकते हैं कि इतने कम दैनिक वेतन में भी, और उसमें भी 15 दिन का 2 बार होने वाला है बकाया इनका नहीं मिल रहा है, स्टाफ सब स्टाफ का 1 महीने से ऊपर का बकाया है जो नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर श्रमिकों में काफी हताशा है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये श्रमिकों के साथ धमकाने का भी यहाँ पर मामला सामने आ रहा है, तो ये क्या न्याय अन्याय, दर्शक वृंद आप समझ सकते हैं, और सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे चाय बगानों में सुधार हो और श्रमिकों को मजदूरी कम से कम उनको समय पे मिले। हमनी मन तो का बोलो, हमनी तो भूखे पियस कमा थी, नवंबर कर तालाब एखन ले हमनी नी पाही और एखन दिसंबर महीना भी पुग गेला, यहाँ कर हमनी कर 7 तारीख तालाब के दीवी कि हमनी कर 21 तारीख कर तालाब के दीवी, हमनी के रेशन मिलेल, आलवा चाउर मिलेल, हमनी उके खाइला, तो हमनी कर हुआ और कोनो तीन सब्जी हमनी कर राशन आप लोगों को 35 केजी मिलता है? नहीं मिलेला हमनी के, 20 केजी देवे ना,
रेशन भी कमती मिले हमनी कार हमनी के मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो यहाँ पर 35 किलो राशन आता है, 21 किलो चावल और 14 किलो आटा और 1 किलो चीनी आप लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता? वो जेके मिले से के मिलेला, सब कोई के नहीं मिलेला। और हमनी के रेशन बाचेला झोके साकिल नहीं साकिल से रेशन भी कहाँ पता जाएला वो भी पता नहीं लगेला। तो देखिये यहाँ पर राशन में भी धांधली का आरोप ये मैडम लगा रही है यहाँ पर कि इनको 35 किलो पूरा राशन नहीं मिलकर 20 किलो राशन मिलता है। तो आप लोग ये आंदोलन कब तक करते रहेंगे? हमने के जब से फैसला नहीं हुई तब से हमने मन आंदोलन करते रहो। हमने इतना दुखी का नाम है करो मोर राजनी उराव है कौन मई हमने के इतना दुख तकलीफ है मोर छुआ कर स्कूल पढ़े के लगिन एखन मोर ले पैसा नहीं मिलो थे मोर छुआ ले मके 2000 रथी स्कूल में लगी सके मके खन ताला पैसा नहीं मिलो थे तो मैं कहां से दिबो इतना दुख तकलीफ से कमाती सांप गोजर गाढ़ा ढोड़ा हवा पानी में कमा थी पाते ही उतना टिप टिप के देवो थी तो इतना हमने खान ले भी पाते टिप ते यही लेकिन उपाती कहाँ जाते कौन अथी मालिक ले गो थे वो भी पता न खे हमने के इतना तपली के इतना सजा इतना सता थे हमने के तो हमने के इतना सता है कि उमन के का मिलो थे इतना दुख तपली के हमने के उमन का ले दो थे। ये दर्द जो है महसूस कर सकते हैं दर्शक बिंद किस तरह से अभी परीक्षा का समय है, बच्चों का फीस भरना है और ये चाय बगान में काम करने वाली ये महिला अपनी दर्द बयां कर रही है। शायद अगर इससे भी किसी का दर्द किसी का दिल नहीं पिघले वो इंसान के जगह पर उसे क्या कह सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं। ये दर्द है श्रमिकों का, दैनिक मजदूरी नहीं मिलने के कारण 2 घंटे के स्ट्राइक पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रतिदिन 3 दिन से चल रहा है। तो देखते रहिए NEI द्वास न्यूज़। मैं रमन कुमार झा द्वास न्यूज़ के लिए।